जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल हट यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम LM35 सेंसर के बारे में जानेंगे और इसे ऑर्डिनो के साथ इंटरफेस करने वाले हैं। तो LM35 जो है ये एक टेम्परेचर सेंसर होता है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो काफ़ी छोटा सा है, दिखने में ट्रांजिस्टर की तरह होता है। इसमें तीन पिंस होती है, अगर इस तरफ से हम देखें तो ये वाली पिन जो है VCC होती है, सेकेंड पिन आउटपुट होती है और थर्ड पिन ग्राउंड होती है। मीन्स यहाँ पर 5 वोल्ट आएगा, यहाँ पर जो है यहाँ से आउटपुट देगा और ये जो है आर्डिनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगा। इसकी जो इनपुट वोल्टेज है हम इसे 4 वोल्ट से लगा के 20 वोल्ट तक जो है वोल्टेज दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसका यूज़ टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए ही होता है। ये जो सेंसर है एज अ ट्रांसड्यूसर वर्क करता है। ट्रांसड्यूसर क्या होता है कि जो भी एटमोसफेयर का टेम्परेचर है उसे वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। तो इसके ये भी सेम उसी तरह से वर्क करता है। अब फ्रेंड्स इसका जो आउटपुट हमें मिलता है वो एनालॉग फॉर्म में मिलता है। तो फ्रेंड्स अगर हमें इससे रीड करना है तो हमें इसे डिजिटल में कन्वर्ट करना होगा, तो इस वजह से हमें एक ADC की रिक्वायरमेंट लगेगी, मीन्स एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ऑर्डिनो में अवेलेबल होते हैं, इनबिल्ट होते हैं। A0, A1 ये सारी पिंस जो है ADC पिंस ही होती है। तो हम इसे इसका आउटपुट उस पिन पर कनेक्ट करके लेंगे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसकी ऑर्डिनो के साथ इंटरफेसिंग। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसका जो VCC है हम ऑर्डिनो के 5 वोल्ट में कनेक्ट करेंगे। अब इसका जो आउटपुट है मिडिल टर्मिनल, इसे हम A0 में कनेक्ट करेंगे ऑर्डिनो के। थर्ड टर्मिनल को ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये है इसका छोटा सा प्रोग्राम। सबसे पहले हमने जो सेंसर को A0 पर डिफाइन किया है, उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया है वेल, जिसको इनिशियली हमने 0 रखा है। उसके बाद वाइट सेटअप में हमने serial.begin कमांड को लिखा है ताकि हम हमारे ऑर्डिनो को जो है कम्युनिकेट करा सके कंप्यूटर के साथ। उसके बाद वाइड लूप जो है हमारा मेन फंक्शन है। इसमें जो है वेल में हम इसकी वैल्यू को रीड करेंगे, एनालॉग रीड से हम जो है A0 को रीड करेंगे। क्योंकि ये एनालॉग सेंसर है इस वजह से हमने एनालॉग रीड यहाँ पर लिखा हुआ है और इसे हम वेल में स्टोर कराएंगे। फ्रेंड्स इसके बाद ये दो लाइन्स आप देख रहे होंगे, ये फॉर्मूला है टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में कैलकुलेट करने का। नॉर्मली हम डिग्री सेंटीग्रेड में ही मेज़र करते हैं टेम्परेचर, तो इस दो लाइन के फॉर्मूले की हेल्प से जो आपकी वैल्यू है वो डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद हमने serial.print टेम्परेचर को हम प्रिंट करवाएंगे। उसके बाद जो है serial.print temp मीन्स जो डिग्री सेंटीग्रेड की जो वैल्यू रहेगी टेम्परेचर की डिग्री सेंटीग्रेड में वो यहाँ पर प्रिंट होगी। उसके बाद हमने serial.print डिग्री सेंटीग्रेड प्रिंट कराया है। उसके बाद serial.print ln हमने लिखा है ताकि स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन हमारे सामने प्रिंट होता रहे 500 मिली सेकेंड के डिले के साथ। तो फ्रेंड्स ये हमने इसे USB केबल्स कनेक्ट कर दिया है। अब हम जो है कोड को बर्न कर लेंगे इस ऑर्डिनो के अंदर। ये फ्रेंड्स हमारा जो कोड है वो बर्न इसके अंदर हो चुका है। अब हम सीरियल मॉनिटर को ऑन करके इसकी जो वैल्यू है आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। अभी जो रूम का टेम्परेचर है कुछ इस टाइप से चल रहा है, 21, 22, 25 डिग्री इस टाइप से। अब ये फ्रेंड्स हमारे पास सोल्डरिंग आयरन है, ये गर्म है। अगर हम इस पर लगाते हैं तो किस टाइप से वेरिएशन आएगा टेम्परेचर में आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, कुछ इस टाइप से देखो टेम्परेचर बढ़ गया है 43, 45, 47, 49, 50, ये इस टाइप से टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। ये इस टाइप से अगर मैं वापस से इसे हटा देता हूँ तो ये वापस से डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो ये था फ्रेंड्स LM35 की इंटरफेसिंग हमने की है ऑर्डिनो के साथ में। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि आगे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और आने वाले हैं मेरे चैनल पे। और इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से इसे परचेस कर सकते हैं। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच।